इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। वाले लोग ऐसे उल्लू बनाते हैं, और जिसमें आजकल ये मोबाइल का चक्कर, साइबर क्राइम जबरदस्त, कौन कब किस ढंग से ठगा जाए, यहां तक कि चारित्रिक पतन तक उसका कराया जा सकता है, हो सकता है। तो ऐसे ये सब जो मान वाले लोग हैं, छल कपट वाले लोग हैं, छल करके और लूट लेने वाले लोग हैं, सत्यवादी नहीं हो सकते। और जो लोभ वाले लोग हैं, लोभी हैं, वो सत्यवादी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लोभी व्यक्ति कभी सत्यवादी नहीं हो सकता। व्यापार में भी आप लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं इसलिए क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राहक कहता है कि साहब ये चीज़ इतने की थोड़ी होगी, आप कहते हैं कि देखिए भाई साहब 200 रुपए की तो हमको घर में पड़ी, अब आप अपने आदमी हो इसलिए 200 रुपए तो दे ही दो। वो कहता है कि ना 200 रुपए की तो नहीं लगती है, अगर 175 में देना है तो। अब फिर दुकानदार क्या बोलता है कि भाई पड़ी तो है हमको 200 की, देखो लेकिन तुम अपने आदमी हो इसलिए 175 में हम दे देते हैं। ऐसा कौन कौन दुकानदार है जो 25 रुपए का घाटा करके और उसको दे देवे, बोलो? वो लेने वाला भी खुश कि मैंने 25 रुपए कम करा लिए, और देने वाला तो कह रहा है कि अच्छा किया मैंने 200 रुपए बताए, घर में 200 की पड़ी, पड़ी तो 125 की है। लोभी व्यक्ति किसी भी तरह से पूरी तरह सत्यवादी नहीं हो सकता। पालन करें, जीवन में उतारें। लोभी लोग तो ना इंसानों को तो ठीक है, भगवान को भी ठग लें। कैसे ठग लेते हैं? एक किसान ने देखा कि कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी धूप ज्यादा निकलती है, कभी कम निकलती है, कभी बीज सूख जाते हैं, कभी पौधे सूख जाते हैं, कभी सारी मेहनत बेकार जाती है, कभी सबाया उगाता है। उसने कहा कि ये सारा काम चलाता कौन है आखिर? और जैसा कि लोगों की मान्यता है कि बोले भगवान सब करते हैं, तो उसने खोज की भगवान की, योग संयोग से उसको भगवान मिल गए, जहां चाहे वहां रहा। वैदिकों की कहानी है, हमारे यहां तो भगवान आते भी नहीं, जाते भी नहीं, कुछ करते धरते भी नहीं। एक बार मोक्ष हो गया, एक बार सिद्ध हो गए कि पुष्प दंत भगवान का मोक्ष कल्याणक संपन्न हो गया, अब फिर आने वाले नहीं है, कुछ करने धरने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि निर्वाण लाड़ू की बोली जिन ने ली है चलो उनको कुछ तो आशीर्वाद दे के आए। नहीं, सारे विकार नष्ट हो गए हैं और सिद्ध हो गए। लेकिन जो लोग मानते हैं तो कहते हैं उसने भगवान को खोज लिया और उनके हाथ पांव दबा करके, पकड़ करके, वंदन करके, सेवा करके, चापलूसी करके कहा कि देखिए भगवान जी बहुत परेशान रहते हैं हम, कभी आप पानी ज़्यादा बरसा देते हो, कभी कम बरसाते हो, कभी धूप ऐसे निकलती है कि बिल्कुल उपास करने वालों के भी पसीना पसीना निकल जाए, और कभी लेकिन ठंडा मौसम कर देते हो, इससे फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसा करिए कि आप मेरी बात मानिए, पार्टनरशिप कर लेते हैं, खेत में जो भी पैदा होगा आधा आपका आधा मेरा,
लेकिन जब मैं कहूँ तभी पानी बरसे, जब मैं कहूँ मेरे खेत में तभी धूप आए, तभी हवा चले, हो गया एग्रीमेंट। किसान ने कहा कि भगवान आप बड़े हैं, आप बताइए बंटवारे में आप ऊपर का लेंगे कि नीचे का लेंगे, फसल जब बटेगी, जब पौधे खड़े हो जाएंगे, खेती पक जाएगी, तो आप ऊपर का लेंगे कि नीचे से, पहले ही से पक्का कर लेते हैं। तो भगवान जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं नीचे का लूंगा, नीचे भी अच्छी चीजें पैदा होती है। किसान ने क्या किया, अगर मूंगफली लगाई जाएगी तो नीचे का अगर उनने ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा। किसान ने क्या लगाया, किसान ने गन्ना लगाया, गन्ना ईख, और ईख के पेड़ पौधे जब बड़े बड़े हो गए गन्ना निकालते हैं नीचे, गन्ने में नीचे तरफ काफी सारी जड़ें होती हैं, काफी हिस्सा उलझा हुआ होता है, और जब पक गया तो उसने बुलाया कि अब ठीक है बंटवारा कर लीजिए, आपने नीचे का कहा था तो नीचे वाला आपका, और ऊपर वाला भी आपका, थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूं, आप भगवान हैं आप भी क्या सोचेंगे, ऊपर के पत्ते पत्ते भी और बीच का गन्ना गन्ना। भगवान ने कहा कुछ बात समझ में नहीं आई, तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें तो कोई रस भी नहीं है और इसमें तो कुछ मतलब नहीं। उसने कहा कि फिर से कर लेते हैं पार्टनरशिप, एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप बताइए अब आप ऊपर का लेंगे कि नीचे का। उनने विचार किया कि देखे इस बार नीचे का मांगा था तो कुछ नहीं मिला, अब की बार ऊपर का मांगते। ऊपर का मांगा, उसने बोदी मूंगफली। मूंगफली जब खेती आई तो नीचे मूंगफली और ऊपर मूंगफली। आप लोगों को मालूम है खेती वगैरह कुछ थोड़ा बहुत, बोलने का मतलब क्या है, आम खाना की गुठली गिनना, आम खाना की पेड़ गिनना। हम तो सब महाराज जी आम खाने वालों से, पेड़ गिनना पेड़ लगाना इससे कोई मतलब नहीं, थोड़े लोग होंगे जिनको प्रकृति का अनुभव होगा। फिर बंटवारा हुआ, ऊपर वाला लेंगे ठीक है, आप ऊपर का ले लो नीचे का हम ले लेते हैं। सारी मूंगफली उसके पास आ गई और ऊपर का उनने देखा कि फिर पत्ते पत्ते हाथ लगे। ये इंसान तो बहुत, ये जब कहता है मैं तब पानी बरसाता हूँ, जब कहता है तब मैं सूरज उगाता हूँ, सब इसकी व्यवस्था के हिसाब से चलता हूँ ताकि फसल ठीक ठाक पैदा हो, ठीक होने के बाद भी बंटवारे में मुझे पत्ते पौधे जड़ें हाथ लगते हैं। अरे भाई ये तू क्या करता है। उसने कहा कि जो आपने मांगा था मैंने वही दिया जो इसमें लिखा है एग्रीमेंट में, फिर बात कर लो। उनने कहा देखो अब की बार मैं ऊपर का भी लूंगा और नीचे का भी लूंगा। तो उसने कहा डोंट वरी, ये भी ठीक है, आपको ऊपर का भी दे देंगे नीचे का भी दे देंगे। और अब की बार उसने क्या लगाया, मक्का, मक्के की खेती की। मक्के के जो भुट्टे होते हैं ना वो लगभग बीच बीच में आते हैं, ना ऊपर आते हैं और ना नीचे आते हैं। जब फसल कटी तो उन्होंने कहा कि आपने ऊपर और नीचे का कहा था तो ऊपर का भी आपका नीचे की भी आपका,
बीच में जो भुट्टा है ये मतलब है कि इंसान इतनी चालाक खोपड़ी होता है कि गुरु महाराज तो छोड़ो, कोई देवी देवता भी आए तो उनको भी घुमा दें, उनको भी उल्लू बना दें। ध्यान रखना, ऐसी चालाकी धर्म में काम नहीं आती। और आप कहोगे कि ऐसी चालाकी कर करके तो हम कितने दिनों से संस्थाओं पर डटे हुए हैं, तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जिससे जीवन में सहजता हो, शांति हो, प्रेम हो, निर्मलता हो। क्षमा धर्म है। तुम तो क्रोध कसाय करके बैर बांध के बैठे हो, कहां धर्म हुआ। मृदुता धर्म है, मुलायम। तुम तो एकदम अकड़ते हो, किसकी तरह करते हो? सबसे ज्यादा क्या करता है जी? अब इसे तुम बांस की तरह करते हो तो क्या मतलब है? अब मायाचारी करोगे तो धर्म है कि अधर्म है? ऋजुता को, आर्जव को धर्म कहा है। मायाचारी करके है, इसके नाम से कागज बनवा दिया, उसके नाम से कागज, ये वैसा कर दिया, वो वैसा कर दिया, कपट करना करते हैं बहुत बार लोग। बहुत बार ऐसे बेटे बेटियां निकल पड़ते हैं कि पापा से कि दादा से झूठा जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया, साइन करवा लिया और फिर किसी और को हिस्सा नहीं देंगे, सारा मेरे नाम हो गया, मैं लेके रहूंगा। ऐसे छल कपट से ऐसे धर्म क्षेत्र में भी मिल जाएंगे आपको लोग। गलत बात है, ऋजुता धर्म है, सरल स्वभाव ही हो ताकि घर बहु संपदा। और चौथा धर्म है सुचिता, निर्लोभता। लोभी व्यक्ति धर्मात्मा कैसे हो सकता है? कम से कम जो तीव्र लोभी है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। लोभ तो ग्रस्तों को भी है, दसवें गुण स्थान तक भी है, लेकिन उसमें एक तारतम्यता आ जाती है, एक समझ आ जाती है। ऐसा लोभ तो नहीं करेंगे कि कोई संकट में पड़ जाए, कि समाज में विद्रोह हो जाए, कि क्लेश हो जाए, कि घर टूट जाए, कि संस्था टूट जाए। ऐसा लोभ बुद्धिमान लोग नहीं करते, और करते हैं तो कहाँ हुआ सुचिता का, पवित्रता का धर्म? जिनकी चार कसाएं गईं वो ही समझ लो सच में सत्यवादी हैं, सत्य धर्म वाले हैं। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट, विज्ञान कहता है जीभ पर लगा घाव जल्दी भरता है। साइंस कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं अगर जीभ पर आप लग जाती है चोट, जीभ पर चोट कब लगती है? जीभ पर चोट कब कब लगती है, किस किस को लगी कोई नहीं बताएगा। ये ऐसी बातें हैं कि कोई बता ही नहीं सकता। वो कहेगा कैसे आदमी हो, जीभ तो इतने अंदर है, 32-32 दांत जो है उसकी पहरेदारी पर बैठे हैं, हैं? पहरेदार ही कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। दांत से जीभ कटती है, जब आप भोजन करते हो या बात करते हो, खासकर भोजन करते करते चबाते चबाते और बात कर रहे हो या उपयोग इधर उधर हो तो जीभ, और फिर आपको चोट तो जोर की लगती है लेकिन आप किसी को बताते हैं क्या? कोशिश करते हैं, किसी को आपके चेहरे के हाव भाव से भी पता नहीं पड़े, नहीं तो आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। कई बार अपनी जीभ अपने ही दांतों से कट जाती। कहते हैं ना, देश को चोरों से नहीं गद्दारों से खतरा, तिजोरी को लुटेरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। बात मानो या ना मानो, धर्म को नास्तिकों से नहीं ठेकेदारों से खतरा। ठेकेदार का मतलब समझते हैं? कुछ लोग धर्मात्मा होते हैं और धर्मात्मा होकर के नेतृत्व भी करते हैं,
लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए, वो मार्ग गलत है। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए धर्मायतनों का सहारा इस रूप में लेना उचित नहीं है। आप खुद धार्मिक बुद्धि वाले बन जाइए और धर्म ध्यान पूर्वक खुद आगे बढ़िए, समाज को भी आगे बढ़ाइए। तो विज्ञान कहता है जीव पर लगा हुआ घाव जल्दी भरता है, और अध्यात्म कहता है जीव से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता है। जीव पे लगा हुआ घाव जल्दी भरता है, भर जाता है, एक दो दिन में ही ठीक हो जाता है, फिर चबाने खाने लग जाते हैं। लेकिन जीव से यदि घाव लग जाए किसी को तो वो कभी भरता, जीव से घाव लगता है। एक ऐसा खोटा शब्द बोल दिया, दोस्त आ गया, मान लीजिए मित्र आ गया, अच्छा हुआ रे तू आ गया, और पहले खाना खा ले फिर बैठ के बात कर, और उसने खाना खाया, भोजन कर लिया, भोजन करके थोड़ी बात हुई, जाने लगा और चलते चलते निकल गया, अच्छा हुआ तू आज आ गया, अगर तू ना आता तो ये सारा खाना कुत्ते को डालना पड़ता। कुछ गलत बोला, अगर तू नहीं आता और ये खाना नहीं खाता, अब उसके पेट में जो खाना गया है, और अब कभी आएगा, आएगा क्या पहली बात तो, और आएगा तो खाएगा क्या। जीव ना इसको बहुत खुरापात करती है, शास्त्रों में जीव के लिए खुरपा की उपमा दी है। जीव का आकार कैसा है तो बोले खुरपे के समान। खुरपा कैसा होता है, कोई बड़े बुजुर्ग जानते होंगे खुरपा कैसा होता है, हैं? एक टेढ़ा टाइप का छोटा सा औजार होता है जो घास खोदने के काम आता है। जीव का संरचना कैसी है, बोले खुरपा जैसी है, इसलिए जीव खुरापात भी करती रहती है। कुछ ना कुछ ऐसे बोल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कर देंगे। संभालिए, जिसने जीव को संभाल लिया उसका जीवन संभल गया। सारी इंद्रियों का एक एक काम है, लेकिन जीव के दो काम हैं, चखना भी और बकना भी। खाने के लिए मीठा चाहिए, बोलता कड़वा, इसलिए मीठा खाते हो तो थोड़ा मीठा भी बोलो, सत्य बोलो, और कम से कम सत्याणु व्रत का तो जरूर पालन करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदय।